आप देख रहे हैं कराची एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूँ आरफ़र रोहेल। हमारे क्राइम रिपोर्टर सैयद ज़ियाउर रहमान सखर से एक अहम खबर से आगा करते चलते हैं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह सखर में भी योम शहदा शहीद लाइन स्टाफ को खराज तहसीन पेश करने के लिए ऑल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन सखर के ज़ेर एहतमाम सेपको सब डिवीज़न बंदर रोड सखर में बनवान जान है तो जहान है के हवाले से एक तकरीब का इनकार किया गया। तकरीब में इस को अफसरान एक्साइम फ़हीम अहमद मलकानी समेत ऑल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन सखर के रहनुमाओं सैयद जाहिद हुसैन शाह शजात अली घुमरो वली मोहम्मद लगारी नजीर मोहम्मद मेमन खलील अहमद डोमकी जावेद अब्बासी इशफाक अहमद महर समेत मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मस्कूरा रहनुमाओं अफसरान ने मेहनतकश शहीद लाइन स्टाफ को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि शहीद लाइन स्टाफ ने मुल्क कौम की खिदमत के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं की लेकिन अफसोस शहदा के लवाकिन को अब तक शहीद को दी जाने वाली मराद से महरूम रखा गया है जो इंतहाई अफसोस की बात है। अफसरान को इस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। वापटा के मेहनतकश मुलाजमीन इदारों की कीमती सरमाया है। इन्हें चाहिए कि वो दौरान काम हिफाजती तदाबीर इस्तेमाल करें ताकि इनकी ज़िंदगी महफूज रह सकें क्योंकि जान है तो जहान है वरना कुछ भी नहीं। योम शहदा के मौके पर हम अपने शहीद लाइन स्टाफ से वादा करते हैं कि इनकी शहादत को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और इनके लवाकिन के हकूक के लिए प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद करें। मस्कूरा रहनुमाओं ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर हुकूमत ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के वक्त को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि साबिक हुकूमतों की नाइली की वजह से पूरा मुल्क IMF के पास गिरवी रख दिया गया है। कौमी इदारों की नजकारी की जा रही है। रिटायर्ड मुलाजमीन अब तक पेंशन से महरूम है। शहदा मुलाजमीन के वर्षा के हकूक अदा नहीं किए जा रहे हैं जो हुकूमत की लई लहमा फकरिया बनता जा रहा है। मुकर्रनीन रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि लाइन स्टाफ को दौरान काम हिफाजती सामान मुहैया किया जाए और हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। मसूरत अगर मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात तस्लीम ना हुए तो मुल्क भर के मेहनतकश और अपने हकूक के लिए एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। इख्तिताम तकरीब शहदा लाइन स्टाफ के लिए दुआ की गई। इस तरह की मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिएगा कराची एक्सप्रेस न्यूज़।